माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राज्य में सिंचाई रकबे को दोगुना करने के लिए सरगुजा अंचल के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल संसाधन विभाग नागरिकों के चहुंमुखी विकास की दिशा में सार्वभौमिक प्रयास कर रहा है। जिले में किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता था और आम लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन जब से जिले में सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई हैं, तब से खेती और पेयजल के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कुल 140 सिंचाई योजनाएं निर्मित हैं, जिनमें 100 जलाशय, 20 व्यपर्तन और 20 एनीकट शामिल हैं। जिले में 900 किलोमीटर की लंबाई में नहरों का जाल तैयार किया गया है, जिससे 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है। यहाँ कुल 100 करोड़ की लागत से 25 योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिससे 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता का निर्माण होगा। जिले की प्रमुख सिंचाई योजनाएं इस प्रकार हैं: गागर फीडर जलाशय योजना वर्ष 2012 में स्वीकृत हुई और 2021 में कुल 87 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई। इसकी कुल जल भराव क्षमता 35 MCM है। इस योजना से 2,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। उलिया जलाशय योजना वर्ष 1976 में स्वीकृत हुई और 1991 में पूर्ण हुई। इसकी कुल जल भराव क्षमता 2.15 MCM है। इस योजना से 486 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। झिंगो जलाशय योजना वर्ष 1973 में स्वीकृत हुई और 1991 में पूर्ण हुई। इसकी कुल जल भराव क्षमता 1.10 MCM है। इस योजना से 344 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। मुरका जलाशय योजना वर्ष 1976 में स्वीकृत हुई और 2005 में पूर्ण हुई। इसकी कुल जल भराव क्षमता 2.15 MCM है। इस योजना से 172 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। बदौली जलाशय योजना वर्ष 1980 में स्वीकृत हुई और 1991 में पूर्ण हुई। इसकी कुल जल भराव क्षमता 2.35 MCM है। इस योजना से 233 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। करासी जलाशय योजना वर्ष 2021 में 12 करोड़ की लागत से निर्मित हुई। इसकी कुल जल भराव क्षमता 1.15 MCM है। इस योजना से 325 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। दरकी जलाशय योजना वर्ष 1974 में स्वीकृत हुई और 1986 में पूर्ण हुई। इसकी कुल जल भराव क्षमता 1.20 MCM है। इस योजना से 460 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। चंद्रनगर जलाशय योजना वर्ष 1976 में स्वीकृत हुई और 2005 में पूर्ण हुई। इसकी कुल जलभराव क्षमता 2.94 MCM है। इस योजना से 407 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। बेलनाला व्यपर्तन योजना वर्ष 2022 में कुल 16 करोड़ की लागत से निर्मित हुई है। इस योजना से 650 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। जिले की कुल जल भंडारण क्षमता 100 MCM है। रबी फसल की सिंचाई के लिए जलाशयों में इस समय 85% जल उपलब्ध है। इस तरह बलरामपुर रामानुजगंज जिला सिंचाई के क्षेत्र में विकास की नई इबारत गढ़ रहा है।